जब भी YouTube पर एक वीडियो को अपलोड किया जाता है उसमें एक ऑप्शन आता है कि इज़ दिस वीडियो फॉर चिल्ड्रन और नॉट फॉर चिल्ड्रन। सो आई एम श्योर कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं नॉट फॉर चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं देख रहा होगा। अगर देख रहा है तो प्लीज़ आप चले जाइए। धन्यवाद अगर आपने ऐसा किया। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं थोड़ा सा आजकल के माहौल के बारे में। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको डिस्कस ना करो तो शायद वो चीज़ें वहीं पे तभी रह जाएंगी। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। हिचकिचाहट तो हो रही है बोलने में, लेकिन जब तक ऐसी बातों को सोसाइटी में शेयर नहीं किया जाएगा ये चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी। और हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है उसके बारे में हम चर्चा ना कर पाएंगे, ना सोच विचार कर पाएंगे। कल या परसों का न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म कर दिया, लेकिन इस बारे में कोई मुद्दा कोई खबर कहीं पर भी नहीं थी। और खबर यार सुना के करना क्या है, कौन क्या कर लेगा, है ना। बस खबर दिखाएंगे बच्चे के साथ, महिला के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ ये हो गया, उसके बाद न्यूज़ देख के सब रद्दी में चली जानी है। लेकिन एक्चुअल में न्यूज़ दिखाने का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इस बात को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब तक तो इंसान के साथ ही लोग ऐसी वैश्य हरकतें कर रहे थे, अब नौबत ये आ गई है कि जानवरों के साथ भी लोग ऐसी हैवानियत करने पर उतर आए हैं। कुछ दिनों पहले नवी मुंबई में एक 65 साल के बुजुर्ग ने एक फीमेल डॉग के साथ किया। 5 तारीख को मतलब कल मुंबई में ही एक फीमेल डॉग के साथ एक 30 साल के व्यक्ति ने किया। मतलब यार हो क्या रहा है, कैसे आईने में अपनी शक्ल को देख पाते होंगे, कैसे लोग हैं यार ये। तो गाइस सोसाइटी में हर किसी को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसे दरिंदों से। और प्लीज़ कभी भी किसी इंसान को गाली ना दें कुत्ते की, या भाई चल कुत्ते कुत्ते की मौत मरेगा, या फिर ये सब कुत्ते जैसे होते हैं, आदमी कुत्ता होता है। अरे कुत्ते जैसा वफादार तो शायद इंसान भी नहीं होता होगा। और हम इंसान को कुत्ते की गाली देके उस कुत्ते की तौहीन कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत एग्जाम्पल इन बातों से लीजिए कि इंसान जो है जानवर को नहीं छोड़ रहा है, कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहा है, बिल्ली की नहीं छोड़ रहा है। मतलब हो क्या रहा है ये। मेरे सामने ऐसे लोग आ जाएं तो पुलिस कंप्लेन ना करूं, ना मैं 100 नंबर डायल करूं, उसका फैसला तुरंत निपटान महाकल्याण वहीं पे ऑन द स्पॉट। जब तक ऐसे दरिंदों में खौफ नहीं आएगा ना कानून का और इंसानों का, जनता का, तब तक ये वैसी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि मुद्दा पूरा क्या था और ये मामला कहाँ का है। इस घिनौने मामले की FIR कॉपी मेरे साथ है। थोड़ा सा मैं जानकारी आपको पढ़ के बता दूँ कि पूरा मामला क्या है, मुद्दा क्या है। इसमें जो धाराएँ लगाई गई हैं वो है 377 IPC, जिसमें कि सेक्शन 11(1)(a) को दर्ज किया गया है। घटना है 5 नवंबर 2020, FIR नंबर है 703/2020। इस फीमेल डॉग को जो एक रस्सी से बांध दिया गया था एक पोल के साथ, उसके बाद इस वैशी ने इसको बुरी तरीके से बांध के उसके साथ वो अभद्र व्यवहार किया जिसको मैं स्पष्ट भाषा में क्या बोलूँ, जी हाँ, बलात्कार किया इस मासूम जानवर के साथ, इस प्यारी सी 2 साल की फीमेल डॉग के साथ। इससे ले ये एंगल ले, इधर मुंह सूज गया, ये अड़ा जो ले, हाँ मुंह सूज गया, ये आगे का देख, आगे का दिख रहा है, ये देख कैसा सूज गया पूरा, इस साइड घूम में भी वॉच वॉच वॉच, बेचारी ट्रॉमा में है। रस्सी का मार्क देख, पूरा मुंह सूज गया। जब इस हैवान को ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने देखा, तुरंत इसको वहीं पे दबोच लिया गया और उसी पोल के साथ, उसी रस्सी से उस पोल के साथ बांध दिया गया। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई तो इसको जेल ले गई, थाने ले गई, पूछताछ की गई। इसके बाद डॉग को भेजा गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि हाँ इस फीमेल डॉग के साथ रेप किया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, दिबाई सकरबाई बेंचॉप पेटी हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। इसमें जो है बकायदा डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट जो है पुलिस को हैंड ओवर की गई है। और यहाँ पे प्रशंसा करनी पड़ेगी मुझे मुंबई पुलिस की एक काबिल अफसर इंस्पेक्टर, जिनका नाम मैं पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे मेंशन था नीतू तायडे जी, जिन्होंने इस मुद्दे को इनिशिएटिव लेके बहुत ढंग से इसको प्रोसेस किया। उस फीमेल डॉग को ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया, साथ ही साथ उनकी जो तफ्तीश थी बहुत सीरियस होके की। तो हेड्स ऑफ ऐसे अच्छे पुलिस वालों को भी जो इंसानियत के साथ आम जनता का साथ देते हैं, वरना अक्सर
ये सुनने को मिलता है कि पुलिस ने बस खदेड़ दिया, भगा दिया, एफआईआर नोट नहीं करी। थैंक यू सो मच नीतू जी अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं। ये मामला जो है मुंबई के मदन हॉस्पिटल का है, महाराष्ट्र का। वो फीमेल डॉग अभी ठीक है, सही हालत में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रार्थना करते हो प्यारी सी बच्ची जल्दी से सही हो जाए। पर यार वो भी कहीं ना कहीं क्या सोच रही होगी यार, ये इंसान कितना बड़ा हैवान है। मतलब ये जो बेचारे इनोसेंट छोटे छोटे जानवर रहते हैं, ये किस चीज़ के भूखे होते हैं यार, सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। कोई प्यार से दो रोटी देके, बिस्किट देके इनको अपने पास बुलाता है, इनको लगता है कि बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, प्यार कर रहा है, हमें कुछ खाने को दे रहा है। पर ऐसे दरिंदे इनको पास बुला लेते हैं, इनका मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के इनके साथ ऐसी वैश्यना हरकत करते हैं जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे जाहिलों को जहाँ भी देखो जिंदा मत छोड़ो, ऐसा ही कानून बनना चाहिए। और कानून क्या बनेगा यार, पब्लिक को जो है कानून हाथ में लेना पड़ता है ऐसे दरिंदों की वजह से। तो भाई ज़माना बहुत ख़राब है, छोटे बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है बड़ा सुरक्षित रखें। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, किसी भी अजनबी के साथ आस पड़ोस में कोई ऐसी सस्पेक्टेड आपको लगता है, चाहे जिस मर्जी एज कैटेगरी का हो, हर किसी के साथ ऐसे बच्चों को आजकल ओपनली या फ्रीली छोड़ने का माहौल भी नहीं है। तो बच्चों का प्लीज़ ख़ासतौर पर ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और अपना चैनल रॉयल सोल्जर सिर्फ उन मुद्दों को नहीं उठाता जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा होता है, हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से, समाज से जुड़े होते हैं और जिनको दिखाना हमारा कर्तव्य है, ताकि आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच सके जिसको आमतौर पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं दिखाते। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिएगा, पेरेंट्स को अवेयर कीजिएगा और इंसानियत के खिलाफ चलने वाले ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए अपने कमेंट में एक स्ट्रॉन्ग राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।